हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जॉब फाइंडर। आपको एक न्यूज़ मिल चुकी होगी कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो 8-9 दिसंबर को होने वाला है और SI का, और पहले हो जाएगा ग्रुप डी के साथ। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में आपको बता दूँ, ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। ओके, ये आप याद रखना कि ये न्यूज़ पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। ठीक है, बेशक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया है, तो पहले चलिए हम उस नोटिस की तरफ चलते हैं। नोटिस क्या है वो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको बता दूं कि ये वो नोटिस आपको दिख रहा होगा, यही वो नोटिस है। जो नोटिस आया है वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का दे रखा है, पंचकुला ने यह नोटिस जारी किया है। ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो ये ठीक है, एकदम 10, 10, 11, 17, 18 को होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बट जो आप इसके एग्ज़ाम के बारे में बात बता दूँ, तो यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट। ठीक है, टेंटेटिव मतलब होता है संभावित, यानी कि होने की संभावना है। बट ऑफिशियल दिया है तो हम इसको सत्य मान सकते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बट ये एक तरह से टेंटेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आप दोबारा रखें, क्योंकि हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म है शायद 22 अक्टूबर से दोबारा ओपन होंगे कुछ समय के लिए, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पर ये ग्रुप डी का, ये टेंटेटिव में नहीं आएगा, बेशक इकट्ठा दिया, क्योंकि ग्रुप डी का नोटिस अलग से इन्होंने दिया होता तो ये कंफर्म है। देखिए, सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम था वो 25/11/2018 को दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर फीमेल का 25/11/2018 सेम है। ठीक है, और जो ये था कांस्टेबल मेल, जिसके पीछे सबसे ज़्यादा झंझट हो रही है, वो 8/12/2018 और 9/12/2018 को दिया हुआ है। ठीक है, दो ही दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने की बात की यहाँ पर। और वहीं पर बात करूँ कि फीमेल कैटेगरी नंबर फीमेल की, अगर जनरल ड्यूटी की बात करूँ तो फीमेल का एग्जाम जो है वो अलग होगा। ठीक है, वो 16/12/2018 को होगा, एक ही दिन। उसके बाद आपको पता है कि रिजर्व बटालियन के जो फॉर्म भरे गए थे उसका भी एग्ज़ाम डेट दे रखे उन्होंने 23/12, और जो अदर है फायर ऑफिसर उसका भी 30/12 दे रखा है। बट देखिए, मैं चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम इसी डेट को हो जाए जो डेट दी हुई है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा इंतजार हो चुका है। ठीक है, अभी कोर्ट का फैसला भी इसी बीच में आ जाएगा, देखिए कोर्ट का फैसला भी क्या आता है, तो उसके बाद शायद काया भी पलट हो जाए, इसलिए यहाँ पर टेंटेटिव लिखा है, कुछ भी हो सकता है अभी। बट अगर सब कुछ सही रहा तो इस डेट को आपके एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यही नोटिस था कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, बट ये टेंटेटिव है, पर आप इसको सत्य मान के इसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद।